हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने रियल होम मेकिंग चैनल में। होप करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। और काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि इस टाइप की वीडियो बनाऊं जहां पे मैं अपना पूरे दिन का मील आप लोगों के साथ शेयर करूं, एंड बहुत टाइम हो गया इस टाइप की वीडियो को ही मैंने बनाई नहीं थी। तो फाइनली मुझे टाइम मिला जब मैं इस वीडियो को एक्चुअली आप लोगों के लिए ला पाई। और अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ हमारी फेमस डाइटिशियन रुजुता दिवेकर की। मैं उन्हीं के मील प्लान के अकॉर्डिंग अपना लाइफस्टाइल अडाप्ट करती हूँ। और अगर आप मेरे व्लॉग्स को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम घर में कुकिंग करती हूँ। यस, देर आर डेज जब हम लोग बाहर भी जाते हैं खाने, चीट डेज भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी मैं कुक करती हूँ वो घर में प्रेफर करती हूँ कि मैं कुक करूँ और फिर मैं अपनी फैमिली को सर्व करूँ। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको बता दूँ कि जब मैं इंडिया से वापस आई थी अराउंड 2.5 महीने पहले, आई वॉज 73 kgs। एंड जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं प्रॉपर अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रही हूँ, एंड उससे मेरा ऑलमोस्ट 3 kgs लूज हो चुका है। आज ही मैंने सुबह वे किया था तो आई वॉज 70.2, सो या ऑलमोस्ट 3 kgs मेरा वेट लूज हो चुका है। तो वेट लूज एक पैरामीटर होता है एक हेल्दी लाइफस्टाइल का। सेकेंड पैरामीटर होता है कि जो भी आप खा रहे हो उससे आप खुश रहो, हैप्पी रहो। बिकॉज यू नो कभी कभी ऐसा होता है कि हम अगर बहुत रिग्रेस कोई डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो हमारे टेस्ट बड्स सेटिस्फाई नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हम पूरा दिन क्रैंकी से रहते हैं। लाइक अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ मिल जाएंगी जिसमें लिखा रहता है लूज 10 kgs इन 1 month, लूज 15 kgs इन 2 months। बट आई गेस हम मम्माओं के लिए ना ये रियलिस्टिक प्लान्स नहीं है, क्योंकि अगर आप वो वीडियोस देखोगे ना उसमें वो पूरी रोटी आपकी हटा देंगे, पूरे दिन की रोटियां हटा देंगे। और हम लोग तो रोटी के कीड़े हैं, अनाज के कीड़े हमें बोला जाता है, तो हम रोटी के बिना कैसे रह सकते हैं। प्लस हमें अपने बच्चे को देखना है, घर को देखना है, सारे काम करने हैं, तो वो मुझे जो डाइट प्लान्स होते हैं ना रियलिस्टिक नहीं लगते। इसीलिए मैं एक अच्छा सा डाइट प्लान फॉलो करती हूँ जो हमारी फेमस डाइटिशियन रुजुता दिवेकर बताती हैं। मैं उनकी डाई हार्ट फैन हूँ और उनकी अभी न्यू बुक भी लॉन्च होने वाली है। आई विश मेरे को वो बुक मिल जाए, अगर ई कॉपी होगी ना तो मैं डेफिनेटली बाय करूँगी। तो या उनके डाइट प्लान से इंस्पायर होके मैंने आज की वीडियो बनाई है। एंड अगर आप मुझे व्लॉग्स में देखते हो तो इसी टाइप का डाइट प्लान मैं फॉलो भी करती हूँ, अपने घर वालों को भी सेम ही खाना खिलाती हूँ। बिकॉज इस डाइट प्लान में ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें खाएं जो सिर्फ पतले होने के लिए होती है। ये सारा फूड होममेड है, सीजनल है, जो भी सीजनल सब्जियाँ या फ्रूट्स वगैरह आते हैं शी सजेस्ट टू ईट ऑल ऑफ दैट, एंड होम कुक फूड होता है तो बहुत ही यमी होता है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ ल्यूकवॉर्म वाटर के साथ, और उसके साथ एज अ प्री वर्कआउट स्नैक मैं लेती हूँ 4 almonds एंड 2 walnuts जो मैं एक रात पहले सोक करके रख देती हूँ। गर्म पानी पीने से पूरी बॉडी एकदम से किक स्टार्ट हो जाती है, सारे टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं और आपकी गट को भी बहुत अच्छा फील होता है, आप बहुत फ्रेश फील करते हो। और उसके बाद आती है वर्कआउट की बारी, तो मैं घर में ही वर्कआउट करती हूँ, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, थोड़ा कार्डियो फॉर अबाउट 30 to 35 minutes। और सूर्य नमस्कार मैं अभी कर रही हूँ, इसको करने के बाद बहुत अच्छा फील होता है, पूरा दिन आप बहुत एनर्जेटिक फील करोगे। वर्कआउट के बाद आती है बारी ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने की, तो आज मैं गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ आलू पालक की सब्ज़ी। उसके लिए मैंने तेल में हींग, जीरा, हल्दी पाउडर, ग्रीन चिली एंड जिंजर गार्लिक डाला। उसके बाद मैंने आलू ऐड कर दिया, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी और अब इसे 5-7 minutes के लिए कवर करके रख दूँगी, जिससे कि आलू ऑलमोस्ट 80-90% कुक हो जाए। आलू मेरा कुक हो चुका है, इसके ऊपर मैं डालूंगी करियांडा पाउडर और उसके बाद मैं इसमें मिला दूंगी अपना पालक। पालक डालने के बाद हमें सब्जी को बहुत ज़्यादा देर तक गैस पे नहीं रखना, बिकॉज उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाती है। इनफैक्ट कोई भी ग्रीन सब्जी को आपको बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस पालक डालने के बाद मैंने इसे 2 मिनट के लिए कवर कर दिया और देखिए पालक श्रिंक हो चुकी है। अब मैं इसे मिक्स कर दूंगी एंड इन अबाउट 2 मिनट्स ये सब्जी और रेडी हो जाएगी।
ब्रेकफास्ट में खाने के लिए मैंने 2 चपाती बनाई हैं, जिसे मैं अच्छे से घी से घी स्प्रेड करूंगी और घी के साथ मैं अपनी रोटी खाने वाली हूँ। सुबह का घी बहुत अच्छा होता है, आप ज़रूर घी खाएं अपनी हर मील में। और ब्रेकफास्ट कंप्लीट नहीं होता विदाउट अदरक और इलायची वाली चाय, क्योंकि सर्दी है तो चाय तो चाहिए ही चाहिए। और ये हो गया हमारा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट रेडी। ब्रेकफास्ट के ऑलमोस्ट 2-2.5 आवर्स के बाद होती है बारी मिड मॉर्निंग स्नैक की। एंड आज मैं खाने वाली हूँ अमरूद, क्योंकि सर्दी का सीज़न है, अमरूद हर जगह अवेलेबल है, तो सीजनल फ्रूट्स तो खाने ही खाने चाहिए, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स आपको भरपूर मात्रा में मिलेंगे। तो अभी बस मेरे घर का काम ख़त्म हुआ है और मैं और मेरा बेटा बैठ के अपना मिड मॉर्निंग स्नैक इंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद बारी आती है लंच बनाने की। तो आज लंच में बनाऊंगी मैं मसाला खिचड़ी, जिसके लिए मैंने दाल और चावल सोख करके रख दिया है। और मसालों में मैंने लिया है मस्टर्ड सीड्स, क्यूमिन सीड्स, थोड़े से पीनट्स, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर है ये, अगर आपके पास सिनेमन स्टिक है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लिया है इसमें थोड़ा सा करी लीव एंड 2 लौंग। और वेजीज इसमें आप अपनी पसंद की कोई भी डाल सकते हैं। तो मैंने लिया है अनियन, कैप्सिकम, थोड़े से मिक्स वेजीज हैं ये। उसके बाद मैंने लिया है जिंजर गार्लिक, ग्रीन चिली एंड टमेटो। बट आइडियली आप इसके अंदर कोई भी अपनी पसंद की वेजीज लाइक कैरेट्स, कैबेज, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और ये अमेजिंग सी रेसिपी मेरी एक सब्सक्राइबर फ्रेंड की है, उन्होंने मुझे अपनी बहुत ही प्यारी सी रेसिपी सेंड की थी, तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने कुकर में लिया है देसी घी, उसमें सारे मसाले डाल दिए हैं और थोड़ा सा हींग डाला है, बिकॉज हींग भी डाइजेस्टिव होता है तो अच्छा रहता है, तो इसीलिए मैंने उसको भी ऐड कर दिया। और सारे मसाले थोड़ा सा भूनने के बाद सब्जियां भी ऐड कर दी हैं, सब्जियों को थोड़ा सा मैं चला लूँगी। और उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी, तो थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट लिया है अपने स्वाद के अनुसार। तो सारे मसाले मैं इसके अंदर डाल दूंगी और मसाले डालने के बाद भी मैं इसे 2-3 मिनट तक भून लूंगी। उसके बाद मैं इसमें चावल और दाल ऐड कर दूंगी और जितना चावल और दाल है उसका 3 गुना पानी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, जस्ट इनफ कि आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो डिप हो जाएं। और अब पानी को एक बार बॉईल होने देंगे खुले में ही, अभी आपको कुकर बंद नहीं करना है, बस खुले में पानी को बॉईल होने देंगे। और जैसे ही आप कुकर बंद करने वाले होंगे ऊपर से आप इसमें गरम मसाला ऐड कर दें, जिससे कि गरम मसाले की खुशबू आपके खिचड़ी में बरकरार रहे। और तुरंत आप कुकर को बंद कर दीजिए। अब 2 विसल्स के लिए हम उसे कुक करेंगे, तब तक हम यहाँ पे अपना मसाला छाछ बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो दही में मैंने थोड़ा सा ड्राई मिंट, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर एंड ब्लैक सॉल्ट ऐड किया है एंड मैंने उसमें काफ़ी सारा पानी ऐड करके इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी। और ये देखिए हमारी गर्मा गर्म मसाला खिचड़ी बन गई है, ऊपर से मैंने डाला थोड़ा सा घी और इसको मैं इंजॉय करूँगी मसाला छाछ के साथ। ऑलमोस्ट 2 आवर्स के बाद हम इवनिंग स्नैक्स लेते हैं। तो इवनिंग में स्नैक्स के लिए मैं बना रही हूँ आज चटपटा चुरमुरा, और उसके लिए मैंने रोस्टेड चना लिया है, थोड़ा सा उसमें अनियन, थोड़ा सा टमेटो, थोड़ा सा नमक, रेड चिली पाउडर बहुत ही कम डाला है और ऊपर से मैं इसमें 1 चम्मच लेमन जूस ऐड करूँगी। और फिर इसे मिक्स कर लें और गार्निश करें धनिया पत्ता के साथ। ट्रस्ट मी, अगर आपको चटपटा फूड खाने का क्रेव होता है और अगर आपको स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और शाम की चाय हम इसी वाले स्नैक के साथ इंजॉय करने वाले हैं। चाय बहुत ही कम पीती हूँ मैं शाम को, क्वांटिटी बहुत कम रहती है क्योंकि डिनर भी करना रहता है। एंड बाय 6:30-7 o'clock मैं डिनर सर्व कर लेती हूँ। तो मैंने तुअर दाल बनाई है, सिंपल सी हींग जीरे के तड़के वाली, उसके साथ आलू पालक की सब्ज़ी है, सुबह की थोड़ी सी थी तो वो भी ले ली है। और बस मैं 1 चपाती लेती हूँ डिनर में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख नहीं होती है इवनिंग स्नैक खाने के बाद। और अब बढ़ते हैं रात की लास्ट मील की तरफ, वो है टर्मरिक रूट मिल्क। तो ये मैंने टर्मरिक रूट लिया है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, और मैंने 1 डेट लिया है जिसे मैंने कट कर लिया है, और ये दोनों ही चीज़ें मैं एक पैन में ऐड कर लूँगी।
ये टर्मरिक रूट मिल्क इज़ वेरी वेरी हेल्दी। अगर आप सर्दियों की रातों में से पीते हैं तो आपको बहुत अंदर से आपकी बॉडी सिक जाती है, कोई भी कोल्ड फ्लू इन्फेक्शन वगैरह जो होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। एंड आपको तो पता ही है टर्मरिक रूट जो होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी ऑक्सीडेंट रिच होता है, तो आपको ये ज़रूर लेना चाहिए विंटर्स में। और दूध डालने के बाद मैंने दूध को अच्छे से बॉईल कर लिया है। आप चाहें तो इसे छान कर ले लें, बट मैं तो ऐसे ही ले लेती हूँ। ऊपर से मैं इसमें थोड़े से आलमंड फ्लेक्स डाल के ये वाली ड्रिंक एंजॉय करूँगी। सर्दियों की रातों के लिए ये दूध मस्ट है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। सो फ्रेंड्स, इसके साथ आते हैं हम अपनी वीडियो के एंड पे। आई होप आपको ये वीडियो के साथ साथ सारी रेसिपीज़ भी अच्छी लगी होंगी। मैंने इस वीडियो को पुट टुगेदर करने में काफ़ी मेहनत करी, आई होप आपको मेरी मेहनत दिखी होगी और अच्छी लगी होगी। एंड या अगर आप इस तरीके का रियलिस्टिक रियलाइजेबल प्लान फॉलो करते हैं ना अपनी डाइट के लिए, तो ट्रस्ट मी आपकी स्किन, आपका हार्ट, आपका सोल सब कुछ शाइन करेगा। आप लोग मेरे व्लॉग्स में बोलते हो कि मेरी स्किन क्यों इतनी ग्लोइंग है, इट्स बिकॉज मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश करती हूँ कि घर का खाना खाऊं और फ्रूट्स वगैरह भी इंक्लूड करूं, और एटलीस्ट 6-7 ग्लासेस ऑफ वाटर तो मैं दिन में पीऊँ ही पीऊँ, चाहे वो मैं मॉर्निंग से लेके नाइट तक किसी भी फॉर्म में लूं, बट पानी भी आपको बहुत ग्लोइंग और फ्रेश दिखाता है। सो या ऑल दीज थिंग्स रियली हेल्प्स मी अलॉट। एंड मुझे कोई शर्म नहीं है अपना वेट शेयर करने में, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ही आपको बताया था आई वॉज वे ओवर वेट। आई मीन अभी भी मैं ओवर वेट हूँ अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, मेरा BMI काफ़ी इम्बैलेंस्ड है अभी भी, बट या आई एम वर्किंग ऑन इट। एंड इसी तरीके से हेल्दी खाकर ही मैं अपना हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करके ही अपना वेट भी कम करूँगी, जिससे कि मेरे टेस्ट बड्स को भी सेटिस्फाइड रखूँ मैं और अच्छे से खाऊं, अपना खुश रहूं, अपने फैमिली को खुश रख पाऊं। बिकॉज अगर हम अच्छा खाना नहीं खाते ना, तो ओवरऑल हमारा मेंटल हेल्थ, हमारा सराउंडिंग सब कुछ इफेक्ट होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई रियलाइजेबल प्लान फॉलो करें, जिससे कि आप ओवरऑल खुश भी रहें और आपका वेट भी कम हो। सो या अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और शेयर करिएगा उन सभी लोगों के साथ जिनका रेजोल्यूशन है 2020 का कि उन्हें हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है, फिट रहना है, पतला होना है। सो या उन सभी लोगों के साथ आप शेयर करिएगा, और आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो दूसरों को भी हेल्प करिए इस वीडियो को शेयर करके, एंड कॉमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको ये रेसिपीज़ और ये डाइट प्लान कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना सारा टाइम मुझे अपना दिया, ये वीडियो देखा, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप ढेर सारा अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।